खबर छपरा बिहार से, जहां एक दलित व्यक्ति की मौत से काफी हंगामा देखने को मिला। भाजपा के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक ज्ञानचंद मांझी ने आरोप लगाते हुए कहा, पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हुई है, जबकि इसके पिता का कहना है कि यह शराब पीने का आदि था और इसी के बचाव के लिए उसने खुद पुलिस को बुलाकर इसको गिरफ्तार करा दिया था। गरखा के पूर्व विधायक ज्ञानचंद मांझी ने बताया कि बुधवार को इसके पिता ने शिकायत पर थाने से पुलिस बुलाकर गिरफ्तार करवाया था और जब इसकी हालत खराब हुई तो गरखा थाने की पुलिस इसे पहले जेल लेकर गई। जब जेल ने इसको नहीं लिया तब गंभीर स्थिति को देखते हुए इसे छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ युवक की मौत हो गयी और इसके बाद जब परिजन पहुंचे तो देखा कि इसके शरीर पर लाठी मारने के निशान है और पैर से खून बह रहा है। छपरा सदर अस्पताल में मृतक सिकंदर राम का पोस्टमार्टम हो चुका है। भाजपा के जिला अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व विधायक सहित कई अन्य लोग वहां पर जुटे हुए थे और एसपी से इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई जा रही थी। गरखा थाना प्रभारी के ऊपर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। मृतक गरखा थाना क्षेत्र के पीठा घाट थाना क्षेत्र का निवासी था। उसका नाम सिकंदर राम था, जबकि उसके पिता का नाम वीरा राम है। छपरा बिहार से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। अभी बताइए, मृतक कौन है आपके? हमारा लड़का है। कैसे इनको क्या हो गया? इनका थंडार चलान किया और छपरा ले आए, तब पुलिस जो है इसे मार कर सब भर्ती कर दिया। उनका सब चिन्ह है, सब लाठी का सब गोर फटा है, ईट में सब है, चोट से मार से पुलिस लोग मुआ दिया है। अच्छा, कैसे सूचना मिली आपको? सूचना मिली कि हम लोग स्पॉट देखे हैं उनका देह। नहीं नहीं, यहाँ की उनका मौत हो गया, ये सूचना आपको कैसे मिली? अस्पताल में मौत हो गया उनका? सूचना मिले हमको डबदार साहब का है। अरे, किस जुर्म में पकड़ा था पुलिस इनको? पकड़ा था दारू में। क्या नाम? बेचने में कि पीने में? पीने में। क्या नाम है मृतक का? सिकंदर मांझी। आपका नाम क्या है? वीरा मांझी। किस थाने का मामला है? गरखा थाना। क्या हुआ था, क्या पूरा मामला क्या है? मामला है सर कि वो शराब पीने में उनको पुलिस पकड़ा था, उसके बाद में लेकर आया और थाना मारटूर से लेकर आया, पूरा घवाई भी कर दिया, इधर एडमिट कर दिया। कहाँ का चोट लगा है आप लोग देखे हैं तो बॉडी में? सर गोरुड़ में दोनों फटा हुआ है, हाथ में है सर फूला हुआ है, फिर पीठ पूरा काला काला है। आपके कौन है जो मृतक है? चचेरा भाई लगते हैं। तो किस पर आरोप है कि किसने मारा है? थाना पर थाना मारा है सर। कौन थाना? सब गरखा थाना और जेल वाला जो प्रशासन है सर। जेल तो गए नहीं थे? जेल नहीं, एडमिट किया था सर। गरखा थाना मार के लाया हुआ। आप बताइए। सिकंदर मांझी मृतक का नाम है, सिकंदर मांझी पिता का नाम है वीरा मांझी, ग्राम पीठा घाट थाना गरखा। पिछले बुधवार को थाना प्रभारी ने इसका अरेस्टिंग करके थाना में लिया और इतना न इसको पिटाई किया गया, जब इसका हालत खराब हो गया मार से तो उन लोगों ने भेजा जेल, तो जेल प्रशासन ने इसको एडमिट अपने जिम्मे नहीं लिया, वापस कर दिया। तब थाना के लोगों ने फिर सदर हॉस्पिटल में उसको भर्ती करा दिया। तब मौत कब हुई है? और मौत हुई है इसको ये आज है, आज रात्रि में चार बजे लगभग भोर में इसकी मृत्यु हुई है। आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि पुलिस प्रशासन को ये अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति को पकड़ कर और थाने के अंदर उसको पिटाई करे और पिटाई करके उसको मौत के घाट उतार दे। गरीब आदमी, अनुसूचित जाति का लड़का है, वो जुआ है, हमको देखने से लगता है कि 30 वर्ष से या 35 वर्ष का उम्र होगा उसका। अभी भी शरीर में उसका जहां तहां खून है, पैर से सब खून निकला हुआ है पिटाई से। अब हम डीएम साहब से फ़ोन से कहे थे कि मेडिकल बोर्ड गठित करके तब उसको पोस्टमार्टम कराइए। डीएम साहब ने कहा कि ठीक है, मेडिकल बोर्ड गठन कर देते हैं और पोस्टमार्टम उसका करा देते हैं। हम मांग करते हैं सारण जिला के एसपी से, डीआईजी साहब के से, कि थाना प्रभारी पर अविलंब FIR किया जाए और उन थाना प्रभारी को अरेस्ट किया जाए ताकि गरीब को न्याय मिल सके। अपना परिचय दें।